गर्मियों का सीजन आ गया, सिदर पिंसी का गोला आ गया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं खाना है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशी शिवाय ब्लॉग्स में। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30, हमारा काम हो गया। और लाडो कहाँ पर लाडू? इसका ना बुखार पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, बिना दवाई के बुखार ठीक हो गया है इसका। और ये ना सुबह से उठी, जब से रोना धोना चल रहा, चिड़ 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 इतनी इतनी सी बातों पे चिड़चिड़ कर रही है अब ये, मतलब चिड़चिड़ी हो गई बुखार की वजह से। क्या इसके बाल देखो कितने मस्त हो गए हैं, एकदम ऐसे बड़े बड़े, और थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो ज्यादा ही सुंदर लगेंगे। और मैंने ना आज हेयर वॉश कर दिया। बोलते हैं मंगलवार के दिन सर नहीं धोते हैं, बट क्या करूँ, बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, एकदम से ड्राई ड्राई से हो गए थे, तो मैंने हेयर वॉश कर लिया। आज कंडीशनर यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी मैं, तो हेयर फॉल कम हो रहा है। कंडीशनर यूज़ करती हूँ तो हेयर फॉल ज़्यादा होता है। और ये जो आप साड़ी देख रहे हो, ये साड़ी फर्स्ट टाइम शादी के बाद शिवाय ने ला कर दी थी। फर्स्ट टाइम इसका ब्लाउज मैंने आज निकाला और उसको ना ढीला किया, एकदम पूरे उसके धागे खोल दिया, आ नहीं रहे थे धागे खोले, फिर उसको अच्छे से फिट किया, तो जब जाके मेरे को आया है। और पहले के ब्लाउज की लेंथ ना देखो, सब बहुत छोटी छोटी है, और अभी के ब्लाउज की लेंथ 14.5-15 इतनी लेंथ के पहनती थी, और ये देखो 12 की लेंथ का ब्लाउज कितना छोटा है, एकदम नॉर्मल सा। क्या प्यारी सी चिड़िया। और खाने में तो आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, लाडो के दाल चावल बना दिए और भाजी रखी थी रात की, तो रोटी बना दी शिवाय, भाजी रोटी खा गए, मतलब सब्जी रोटी बोल लो उसको, मिक्स वेज थी, सब्जी रोटी खा ली। और दाल चावल तो जब बने ही नहीं थे, दाल बॉईल हो रही थी, तो अब कभी हुआ तो आएंगे खाने। लाडो कहाँ जा रही? चप्पल पहनने जा रही। और मेरा ड्रेस ना अब रेडी करने का मन नहीं कर रहा, उसको ना उसको मैं बाद में रेडी करूँगी, आज तो मैं रेस्ट करूँगी यार, सर दर्द कर रहा है। और धूप इतनी तेज़ है ना हमारे यहाँ पे, ऐसा लग रहा होली का दहन हो ही गया है, जबकि होली दहन हुई नहीं है अभी। मामा उल्टे नहीं पहनते बेटा, ले गर्दन बता तो नेक, देखो बहू कहाँ हुआ है, देखो आर्म्स में देखो कितना ज़्यादा है, इधर भी बता बेटा अंडर आर्म्स में इतने ज़्यादा रेशेज है उसके, बता इधर हाथ था, ये देखो ये किस वजह से हो रहे, क्या हो रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो नेक में भी है, घर का देसी घी लगाए, मम्मी बोले घी लगा दे उससे गर्मी छट जाएगी, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। आग बता लाडू तेरी, आग बंद कर, आग भी वैसी ही है यार, क्या करना, मैंने 2-3 दिन अच्छे होते हैं फिर वापस हो जाते हैं। सीधे से पीना लेकिन ये इधर और ये इधर, क्या नाटक नहीं करना है, फोन को देखकर ना इतना नाटक बताती है, पहन ना ऐसे, तो तू बिना उसके ही पहन लेती है मम्मा के। आ गए पहन लिए, आ तो गए। ठीक है, तो गर्मियों का सीजन आ गया है और इधर हमारा गोला भी आ गया है। क्या लेने जा रही? ला दो गोला थाई दी, गोले वाले भी आ गए। अरे अरे पिंची दाद डोला ताई दी डोला, कौन से कलर का खाएगी लाडो बोल, कौन से कलर का गोला खाएगा? ए ब्राउन। हाँ थोड़ा सा डाल दो लाडो, पैसे दो, पैसे दो दादा को, चलो ये अपना दोला तो माँ के हाथ में, थैंक यू बोल दे। सिदर पिंसी का गोला आ गया है, यहाँ बैठ, यहाँ पे बैठ के खा, बैठ जा यहाँ पे और गोला खा, मैं आ रही जब तक। इस
इसको ना मैं बाहर बैठ के ही गोला खिलाऊंगी, अंदर पूरा घर गंदा कर दूंगी। फिर गोला खिला के ना फिर सुला दूंगी, नहीं तो ये सोएगी नहीं, क्योंकि टमी अभी इसकी फूल है तो नींद आ जाएगी, और टमी जैसे ही खाली हुई मस्ती करके फिर रोना धोना मचेगा। नहीं 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 ऐसे नहीं खाना है। ले खा खा, अरे तू तो खा, कब उसकी चिंता मत करे। चटरी हे गाइस, तो एक बार फिर आ चुकी हूँ मैं अपने मशीन वाले रूम में, मंदिर वाले रूम में, प्रिंसी वाले रूम में, जो रूम बोल लो इसको वो रूम बोल सकते हैं। सिलाई वाला रूम, मंदिर वाला रूम, प्रिंसी वाला रूम, और स्टोरेज रूम भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कितना सारा पसेरा फैला हुआ है। तो मेरे को अपने ड्रेस को वापस से स्टिच करना है। इस ड्रेस को लगेंगे रेडी होने में कम से कम 5 से 6 दिन, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अभी लाडो को सुलाया, 3:30 बज रही है। अब इसमें मेरे को वर्क भी करना है, अपनी एडिटिंग वगैरह का जो भी काम है सब करना है। मैं ना अभी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, आप सबको भी और अपने आप को भी मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मेरी स्किन देखो कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, और काम घर पर बहुत ज़्यादा रहता है। बेटे की तबीयत ख़राब है, फुल टाइम चिड़चिड़ करता है तो काम नहीं हो पाता है। होली की ड्रेस की है मेरी पोटली है, और ये लाडो की पोटली है। तो क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आता है, कुछ और अलग दुखता है, सोने का मन करता है बट सो भी नहीं सकते। बात फात ज़्यादा करूँगी तो बेटा उठ जाएगा। और रूम की हालत देखो, रोज़ साफ करने के बाद भी मेरा रूम तो ना, मतलब क्या ही बोलूँ, सामान इतना है और रखने की स्पेस कुछ भी नहीं। ये पूरा ऊपर भरा हुआ है, ये देखो ऊपर पूरा भरा हुआ है, ये पूरी अलमीरा भरी हुई है, नीचे सामान पड़ा है। मशीन अभी खाली करी तो नीचे रखा सामान, मेरी साड़ियाँ भी ऊपर रख दी है मैंने सब। यार क्या है, और मेरी देवरानी गई है मार्केट, उनकी मम्मी आए हैं तो गए हैं वो, मेरे ससुर छोड़ने आए थे। पापा है, मैं बोला पापा आज इधर किधर आना हो गया, तो बोले कि दीपा को छोड़ने आया था, बोले मैं उनकी मम्मी आए हैं, कॉल आया था, बोले कि आज, तो बोले वो वहाँ गई है, उसकी मम्मी ने बुलाया है। अच्छा लगला उठा लो। हे गाइस, तो फिलहाल इधर दीपा संतरे लेकर आई है, और क्या खा ली बेटा, तो चंतले दंदरे क्या खा रही पता है? मैं छोटी थी ना तो मैं संतरों को क्या बोलती थी, दंदरे। मेरी मम्मी मेरे को बोलती, बोलेगी तू ना छोटी थी तो संतरों को दंदरे बोलती थी, तो बोले तेरी बेटी भी तो वो बोलेगी, बट ये क्या बोलती है सुनते इससे। लाडो बोल तो संतरे, बोल संतरे। इतराते हैं हमारे बच्चे तो, हाथ गंदे करे दूर रहे मेरे से। ओ दंदरे की औलाद, दंदरे वाली की औलाद है तू। जैसे ही कैमरा चालू होता है ना, इसका रोना धोना सब स्टार्ट हो जाता है। हाँ बेटा, मैं किसकी मम्मी हूँ? मेरी। अरे बाप, इतना इतराएगी, इतना इतने मार। अब चाची को मारो, चाची पास से बोलती कि मम्मा को मारो। पार्टी मत, बेचारी संतरे छील छील के खिला रही है इधर। क्या दे चाची, दे मत ना दा। गाइस, तो इधर बन गई है हमारी मैगी, दीपा ने बनाई है। दीपा के हाथ में मैगी अच्छी लगती है, इसलिए हर बार दीपा ही बनाती है। आप टेस्ट करो, खट्टा लग रहा कि नहीं लग रहा? इसको ना नींबू चाहिए था, और मैंने उसको देसी नींबू दिया है, नहीं विदेशी नींबू दिया है, सॉरी, टोटका करके दिया है विदेशी नींबू। खाओ, लगी? अब तो मैंने ज्यादा खट्टी कर ली। मैंने क्या बोला था, एक दो बूंद डालना, हो गई खट्टी बाटा, पर अच्छी लगा। हे गाइस, तो अभी हमने मैगी वगैरह खाई, अभी इधर बनाए हैं हमने फ्रेंच फ्राई लाडो के लिए, और साथ में बन रहे हैं आलू बड़े, जो दीपा को भी खाना है और मेरे को भी। चटनी बना चुकी कि नहीं?
नींबू डाल भी देना। नींबू अब नहीं है ना, हो गया भूलना पड़ेगा। साथ ही मैं इधर बना रही हूँ आलू बड़े मस्त। अभी हम एक ही आलू बड़ा बनाएंगे, बाकी शिवाय और सबके पे आएंगे तब बनाएंगे। ये हमारी आलू बड़े की स्टफिंग। अभी भी तुम्हारे भैया को सूखे लगेंगे दीपा, गीला है पर उनको तो सूखा लगेगा। ब्लाउज कितनी कम हाइट के है मेरे, ये मेरी शादी थी ना तब का है, पर भैया ने ला के दी थी साड़ी पहली बार, तो पहले तक तो कम हाइट लग रही थी।